ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवसेना का चुनाव चिन्ह सिंधे गुट को दिए जाने को इलेक्शन कमीशन का सही फैसला बताया है। रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि एक नाथ शिंदे बाला साहेब ठाकरे की विरासत संभालने का काम कर रहे हैं। सिंधिया ने उम्मीद जताई है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में प्रदेश में तेज गति से विकास कार्य होगा। विगत दिवस कूनो में अफ्रीका से आए 12 चीतों का सवाल पूछने पर उन्होंने खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और विचारधारा भारत को विश्व पटल पर उभारने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कूनो में 8 और अब तक 12 चीते अफ्रीका से आए हैं। साथ ही चीतों ने कूनो में कदम रखा है, उससे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश और कूनो का नाम विश्व पटल पर पहचाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच और विचारधारा भारत को हर क्षेत्र में विश्व पटल पर उभारने की सोच, पहले किश्त में प्रधानमंत्री जी के सालगिरह पर 8 चीते कूनो में आए थे, अब परसों 12 और साउथ अफ्रीका से चीते आए हैं। C-17 ग्लोब मास्टर को लेकर उन 12 चीतों को लेकर आया और जिस स्फूर्ति के साथ नए वातावरण में पूर्ण रूप से एक जोशीले वातावरण में और जोशीले स्वभाव के साथ उन चीतों ने भी हमारे कूनो के वातावरण को अपनाया है, मुझे पूरा विश्वास है कि अब 12-20 की संख्या हो गई है।